ऐसा तो मैंने आज तक देखा नहीं है। आप सवाल पूछते हैं, बताओ कितनी मुझे नहीं पता, मैं क्या इंटेलिजेंस का ऑफिसर? जब बहुत देर हो जाती है तो प्रभु को याद आता है। मेरे प्रभु, मेरे प्रभु एक सेकंड, मेरे प्रभु एक सेकंड। मुझे टुकड़े गैंग बताइए भैया, उसकी उसकी तो रूह यहाँ पे घूम रही होगी, तो आपको डर लगता है क्या? प्लीज, कॉमेडी सर्कस नहीं चल रहा है, कॉमेडी सर्कस नहीं चल रहा है। ये पैनल में पागल भी आए हुए हैं। डोंट शाउट, ये शांत हो जाइए ना, आप मेरी बात सुनिए। डोंट शाउट, आई एम नॉट शाउटिंग। अंग्रेजी में बड़बड़ मत करो, हिंदी में बोलो, हिंदी प्रोग्राम है। I have no major idea about this. एक मिनट, can I finish? उंगली उठा रहा हूँ। या उंगली उठा ली ना, तो उन्होंने देख लिया। उंगली allowed है? नहीं तो फिर उंगली को नीचे ले आई ना, देख लिया उन्होंने। मेनस्ट्रीम मीडिया में जो डिबेट्स होती हैं उनमें लड़ाई शोर के अलावा कुछ फनी भी आजकल देखने को मिल जाता है। कुछ मजेदार बातें संबित पात्रा डिबेट में कर ही देते हैं, पर अब एक अभिनेता डिबेट में दिख रहे हैं जो ही हंसा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अभिनेता नासिर अब्दुल्ला की। हम उनकी कुछ मजेदार डिबेट्स देखेंगे जिनमें वे अजीबोगरीब हरकतें करते दिखाई दे रहे हैं। न्यूज 18 पर एक डिबेट में नासिर अब्दुल्ला और संबित पात्रा अवार्ड वापसी गैंग के मुद्दे पर आमने सामने आई। इस डिबेट में नासिर जब जवाब दे रहे थे तभी संबित ने बीच में बोला, पर नासिर ने संबित को अपने हरकतों से तंग कर दिया। नासिर अब्दुल्ला, एक बात का ख्याल आया जब आपने दो आदमियों का वो लिया एग्जांपल के जी उनके खिलाफ ये हैं सेडिशन चार्जेस, उनके खिलाफ ये चार्जेस हैं, उसने ये कहा, तो बीजेपी में बहुत से लोग हैं जिनके ऊपर बहुत से चार्जेस हैं, रेप, अटेम्प्ट टू मर्डर, ये वो आई बिलीव है, मुझे नाम वाम नहीं मालूम, मैं जरा डफर अपना टाइप का आदमी हूँ, याद नहीं रखता मैं। आए? ये जो 61 है जिन्होंने वो अपने नहीं नहीं मैं कैसे कह सकता हूँ गलत है? आपको क्या लगता है? मैं I have no major idea about this. एक मिनट, can I finish? उंगली उठा रहा हूँ। या उंगली उठा ली ना, तो उन्होंने देख लिया। उंगली allowed है? नहीं तो फिर उंगली को नीचे ले आई ना, देख लिया उन्होंने। मैं नहीं, मैं इनके लिए नहीं, मैं intolerant आप उंगली की तरफ चीज़ों भी नहीं खोला। Don't be silly. Don't नहीं, बेकार की बातें मत कीजिए, वक्त जाया होगा। वक्त जाया होगा। मैं इनके लिए उंगली उठा रहा हूँ। आप नीचे कर लीजिए, मैं उठा रहा हूं। मैं भी उठा, मैं आपका केस ले रहा हूं। वो अपनी बात रखने का उन्हें अच्छी बात नहीं, मैं भी इनकी बात रख रहा हूं ना, तो इंटॉलरेंट नहीं हूं। उंगली उठाए रखो, मैं बताता हूं ना, किसी ने कहा था, किसी ने यहां पे, मैं आपको बताता हूं, कल ही इसके बारे में बातचीत हुई। न्यूज नेशन पर कंगना के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में नासिर अब्दुल्ला और एक गेस्ट के बीच तीखी बहस हुई। जब गेस्ट नासिर अब्दुल्ला की आलोचना करने लगे तभी नासिर ने अजीब हरकतें करनी शुरू कर दी। देखिए ये मजेदार डिबेट। पहले बताओ, दाऊद लगा रही है क्या इसका? दाऊद इब्राहिम लगा रही है क्या? किसकी भारत नहीं की जाए गिराई जा रही है? बता दो, गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट दिया है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, जो बात गलत है क्योंकि हमारे पैनल में पागल भी आए हुए हैं, पागल आए हुए हैं, पागल खाने से छूट गए, पागल आए हुए हैं। प्लीज, कॉमेडी सर्कस नहीं चल रहा है, कॉमेडी सर्कस नहीं चल रहा है। पैनल में पागल भी आए हुए हैं, पागल आए हुए हैं, पागल खाने से छूट गए, नासिर साहब, नासिर साहब, प्लीज कॉमेडी सर्कस नहीं चल रहा है, कॉमेडी सर्कस नहीं चल रहा है। प्लीज कॉमेडी सर्कस नहीं चल रहा है, कॉमेडी सर्कस नहीं चल रहा है, देश की बहस है और दाऊद के बाद बहुत सीरियस कॉमेडी चल रहा है। न्यूज 18 पर JNU के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने नासिर से कुछ सवाल किए। जब वे अपना जवाब दे रहे थे तभी बीजेपी नेता ने बीच में टोकना शुरू किया, पर नासिर ने अपनी हरकतों से बीजेपी नेता को चुप करवा दिया। This is a nation. ये देश है, ये चिकन तंदूरी नहीं है। यही कहा ना, अमृत का फल नहीं। मैंने मैंने बात को दिखाने ना, मैंने मूर्खता दिखाने के लिए चिकन को लाया मैं, कि मूर्खता है ये। एक मिनट, नहीं मुझे इसकी जरूरत, मैं इट्स माय, आई नीड टू डू इट। एक बात कही, एक बात देखिए, आई हैव टू से, बैठे हैं सब इंटेलिजेंट छात्र, एक सेकंड, सुनिए ना क्या कह रहे हैं। हेलो अब्दुल गुरु, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, कुछ नहीं है, मेरा आतंकवादी आपका रिश्तेदार कैसे होगा? आप आतंकवादी है क्या? सर बिहेव योरसेल्फ, आतंकवादी, डोंट डू दिस प्लीज। मुझे टुकड़े टुकड़े गैंग बताइए भैया, उसकी उसकी तो रूह यहाँ पे घूम रही होगी, तो आपको डर लगता है क्या? नहीं, डर नहीं लगता। सर सर सर, नासिर साहब आप बड़े समझदार आदमी हैं। अमीर जी सीरियस डिबेट करेंगे। हिंदी में मुहावरा है, 13 साल की उम्र पे मैंने अपने स्कूल में हिंदी में मुहावरा एक्चुअली पढ़ा था। उसका उस वो ऐसे था कि गधे सिर्फ काबुल में नहीं होते, फेमस मुहावरा। रिपब्लिक भारत की डिबेट में अर्नब ने नासिर से सवाल किए, पर नासिर ने अर्नब पर ही सवाल खड़े कर दिए। जब नासिर जवाब देने लगे तभी गेस्ट ने नासिर को बीच टोका, फिर नासिर ने इसका जवाब कैसे दिया आप भी देखिए। नहीं, सवाल तो बहुत लंबा है, जवाब देने की हिम्मत है? सवाल आपका हो गया पूरा। जवाब देने की हिम्मत है नासिर अब्दुल्ला? सवाल ही का सवाल तो मैं पूछूंगा, बोलो।
मैं तो बिल्कुल है, आप तो मुझे बोलने नहीं दे रहे, मेरे में हिम्मत है, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे, सवाल ही बोले जा रहे हैं। ठीक है, एक बात को सुन लीजिए अच्छी तरह। ये सब क्या बात है, डिबेट है, सब लोग बोलेंगे, खुलकर बोलेंगे, आप भी बोलेंगे। नासिर रिलैक्स, मेरी बात सुनिए, शांत हो जाइए ना, आप मेरी बात सुनिए। I'm not shouting, अंग्रेजी में बड़बड़ मत करो, हिंदी में बोलो, हिंदी प्रोग्राम है। You are shouting. मैं क्या कह रहा हूँ, हिंदी में बात कीजिए। मैं आज तक पर डिबेट में जब एंकर ने कंगना और शिवसेना के विवाद पर नासिर से सवाल किए तो इसका नासिर ने अजीबोगरीब जवाब दिया, जिससे खुद एंकर अंजना भी हैरान दिखाई दी। शिव सैनिक जो भी हैं औरतों की इज्जत करते हैं, क्योंकि ये कंगना इसलिए कि महिला थी, उनकी मारपीट नहीं की, उनके घर पे बुलडोजर लगा दिया, और जो सेना के आदमी थे उनके साथ हाथापाई हो गई। तो मेरे ख्याल से ये बात तो माननी पड़ेगी कि औरतों की इज्जत इतनी तो करते हैं कि हाथापाई नहीं करते हैं। इससे बेतुकी बात मैंने सुनी नहीं है सर लाइफ में। क्या कह रहे हैं आप? थैंक यू। क्या बोल रहे हैं साहब आप? ये क्या बोल रहे हैं सर? आप क्या बात कर रहे हैं? आप कह रहे हैं महिलाओं का सम्मान करते थे इसलिए बीएमसी का नहीं। शिवसेना के सम्मान पर ये जो आपका ऐसे है ये अनूठा है सर। अंजना जी देखिए कैसे कैसे पर गड़े जा रहे हैं। थैंक यू। न्यूज 18 की डिबेट में संबित पात्रा ने नासिर अब्दुल्ला का मजाक बनाने की कोशिश की, पर नासिर ने संबित को ऐसा करने से रोकने की कोशिश की। आप भी देखिए ये मजेदार डिबेट। मगर मालूम कर लो, अगर गलत है तो गलत है, मेरा क्या लेना देना। जी जी जी, मैं अब आजम खान, मुझे तो शिकायत है नहीं ज्यादा, मुझे कोई तंग नहीं करता। ओके, ओनली गोज ओवर हियर। ओके ओके, ऐसा तो मैंने आज तक देखा नहीं। आप सवाल पूछते हैं, बताओ कितनी, मुझे नहीं पता मैं क्या इंटेलिजेंस का ऑफिसर हूँ। सही बात। और फिर आप पूछते हैं कि बताओ कितने लोग मारे गए, मैं तो डफर हूँ, मुझे कुछ। हाँ तो अभी याद आ गया, तो याद आ गया। डफर की खासियत यही होती है बाद में याद आता है। सर एक सेकंड रुक जाइए, जब बहुत देर हो जाती है तो डफर को याद आता है। मेरे प्रभु एक सेकंड। अभी देखिए एक घंटे से लगातार बोले जा रहे हैं, मुझे बोलने भी नहीं दे रहे हैं। डफर है, पता कुछ है नहीं, पता पढ़ के नहीं आए हैं। मगर मैं इनका नहीं, नहीं, मैं आपका सम्मान करता हूँ। नहीं, आप मतलब डफर के साथ भी डिबेट कर, डफर मैंने नहीं कहा, इन्होंने चार बार कहा है मैं डफर हूँ, मैं डफर हूँ, मैं डफर हूँ, इन्होंने कहा। मेरे से गलती हो गई, मुझे छोड़ दो, मुझे डिबेट कर दो। अब सुन लीजिए, देखिए मैं अपने बारे में और नहीं सुनना चाहता। जी, जी, बहुत बढ़िया सर, डबर, डबर, आप बहुत डबर, अच्छे हैं, आप ही ने कहा डबर। खैर, अक्सर डिबेट्स में नफरत भरी भाषा या अभद्र टिप्पणियां तो हम सुनते ही रहते हैं, पर अगर डिबेट में कुछ पल हंसी के मिल जाएं तो भी ठीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।